सिरोड़ी के निकट वाण गांव में आज एक महोत्सव चल रहा है जिसे हम देख रहे हैं। पुरोहित समाज का, राज पुरोहित समाज का एक महोत्सव है और आज 5 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा हुई है यहाँ, श्री सुंदा माता की प्राण प्रतिष्ठा हुई है यहाँ, श्री महादेव जी, श्री हनुमान जी महाराज, श्री लक्ष्मी जी और श्री सरस्वती माता का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हम एक एक मंदिर के दर्शन करते हैं। एक इस तरह के इतिहास लिखे जाते हैं हमेशा ही, और धर्म प्रेमी बंधु इस क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हम माँ के दर्शन करें और आज इस मंदिर की, बहु प्रतीक्षित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का एक भव्य आयोजन चल रहा है। आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है यहाँ। हम मंदिर में श्री गौरा भैरव जी और श्री काला भैरव जी के भी दर्शन करें। और ये एक ऐसा उत्सव चल रहा है जिसमें 13 परगना, जिसको कहेंगे अबू गोड जो हैं वहाँ के, और हम यहाँ सभी मंदिरों के एक बार दर्शन करवा दें। यहाँ श्री लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती, जो विद्या की देवी है, जो धन की देवी है, उनके भी यहाँ भव्य अति भव्य प्रतिमा के हम दर्शन करें। श्री गणेश जी महाराज और श्री हनुमान जी महाराज। आज ये पूरा गांव एक उत्सव का रूप ले रहा है और लगातार इस तरह का चल रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं 3 दिन से यज्ञ चल रहा है। यज्ञ की एक बड़ी महिमा होती है हम हमारे शास्त्रों में, और हम ये देखिए ये किस तरह से वायुमंडल को हम शुद्ध कर रहे हैं इस विधि विधान से। और ये राजपुरोहित समाज का ये आयोजन है और हम श्री महादेव जी के भी दर्शन करें। यहाँ कई आयोजन एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ संत समाज के प्रवचन चल रहे हैं जो कि मानव कल्याण के लिए होते हैं। हम श्री महादेव जी के दर्शन करें, भगवान शंकर के दर्शन करें। और शंकर भगवान का जो परिवार है, हमारे भी तिलक लगाइए साहब, बहुत अच्छा। और ये हम एक बार भावपूर्ण दर्शन करें। यहाँ गणपति जी भी है, माँ पार्वती जी, और भगवान शंकर के बिना तो संसार की हम कल्पना कर भी नहीं सकते। यहाँ कश्यप हैं और नंदी भगवान हैं। और इधर हम एक परिक्रमा जरूर लगाएं क्योंकि परिक्रमा से हमारी यात्रा सफल होती है, सफल होती है। और यहाँ लोगों में बड़ा भव्य उत्साह है। हाँ, दक्षिण में धर्मराज जी हैं और ये सदियों सदियों से इस तरह के प्रयास होते ही हैं और ये एक इतिहास बन जाता है। और इसी तरह का आज हम इस वाण गांव में, जो सिरोड़ी के पास में वाण गांव है, इस तरह का एक इतिहास लिखा है जो सदियों सदियों तक याद रहेगा। ये वाण गांव एक पहाड़ी की तलहटी में ये गांव बसा है। और हम अगर इस पहाड़ी को देखें तो ये खूबसूरत और एक तरह से वृक्षों से एक तरह से लदी हुई पहाड़ी, और इस पहाड़ी के उस पार ऐसा है कि सिरोड़ी गांव है और इस तरफ ये वाण गांव है। मैं इस वट वृक्ष को खास तौर से एक बार आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि पहले माता जी यहाँ विराजमान थे। ये और यहाँ ये पूजनीय वड है, ये पूजनीय वड है। और हमारे पर्यावरण प्रेमी शांतिलाल जी के भी आज दर्शन हुए हैं, बहुत सुंदर दर्शन आप, हुए। आप कैसे पता रहे, कैसे आपको हुआ? ये बस हमारा जो काम है, हम हाँ बिल्कुल हम निमंत्रण पे आए, ये सच्चाई है। और यहाँ हनुमान जी महाराज और ये पुरोहित समाज की यहाँ जो श्रद्धा दिखाई दे रही है आध्यात्म के क्षेत्र में, ये सच में वंदनीय है। और हम इसी कड़ी में संत समाज के भी आज एक बार दर्शन करें। उससे पहले श्री हनुमान जी महाराज के हम दर्शन करें। और श्री हनुमान जी, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है तारो। और ये हर तरफ हम यहाँ देख रहे हैं आयोजन हो रहे हैं और लगातार इस तरह के आयोजन हो रहे हैं।
यह संपूर्ण गांव का या यूं कहें कि 13 गांव का ये एक तरह से महामेला है, महामिलन है, और वर्ण गांव इसमें प्रमुख माना जाता है, ऐसा मानते हैं। ये संपूर्ण क्षेत्र, ये हम यहाँ हमको जहाँ गांव की संस्कृति दिख रही है, वही एक अध्यात्म का एक महामेले का भी दर्शन हो रहे हैं। और ये संपूर्ण नज़ारा अपने आप में बहुत खास है। इसके नाते हम सभी भक्त आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए सतगुरु देव की जय हो। आज इस धन्य धरा पर जो हमारा 3 दिवस का कार्यक्रम था, आज तृतीय पुण्यमय दिवस का शुभारंभ रंगारंग हुआ। माता जी की प्राण प्रतिष्ठा शुभ प्रार्थना की घड़ी में हो गई है, और अभी संत महात्मा जो हमारे बीच पधारे हैं, हमारे परम श्रद्धेय के सागर, जिन्होंने मार्गदर्शन से हम सभी ये धार्मिक और भक्तिमय कार्यक्रम हम सभी करते आए हैं। ब्रह्मोत्तर समाज, जहाँ आपका हम सभी को मार्गदर्शन मिलता है, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं कि हमारे लिए वो असंभव है, क्योंकि हम समस्या को यह बताते हैं हमारे गुरु क्या है, गुरु को कभी नहीं बताते हमारी समस्या क्या है। ऐसे ही भावों को लेकर के मैं साधु संतों के फूल हार के स्वागत अभिनंदन और सॉल फेड के लाभार्थी परिवार श्रीमान गोकुल राम जी फूला जी राजगुरु से निवेदन करना चाहूंगा, पधारे और बाप जी का फूल हार से और सॉल फेड करके स्वागत अभिनंदन करावे। मंच की शोभा बढ़ा रहे गुरुदेव शंकर स्वरूप जी ब्रह्मचारी जी महाराज शरत आश्रम साधु से हमारे बीच पधारे हैं। बाप जी का फूल हार से स्वागत करावे, सॉल फेड करके स्वागत अभिनंदन करावे। चाहूंगा आप श्रीमान पधारे और विशाल पंडालों में हम देख रहे हैं कि लगातार 3 दिन से सत्संग चल रहे हैं, और ये विशाल पंडाल इस बात को बता रहे हैं कि ये प्रोग्राम कितना विशाल है, और यहाँ इसी तरह का हम भोजनशाला देख रहे हैं, यहाँ भोजन प्रसादी कक्ष है, पुरुष और महिलाओं को अलग रख रखा है, क्योंकि भोजन चल रहा है और चलते चलते हम दोपहर निकल गई, साँझ हो गई। और ये इस तरह से हम एक चीज देखते हैं कि धर्म की जहाँ बात आती है तो संपूर्ण समाज एक साथ खड़ा होता है। ये हमारी परंपरा का सबसे सुंदरतम नज़ारा है, सबसे सुंदरतम और विहंगम नज़ारा है। ये हमने देखा, ये विशाल बड़े बड़े हजारों स्क्वायर फीट के जो पांडाल लगे हुए हैं, ये अपने आप में इस बात को बयां कर रहे हैं, ये फिर एक इतिहास लिखा है, और ये इतिहास सदियों सदियों तक याद रहेगा। उन्हें इस बात को कहते हैं कि एक इस देव नगरी धर्म नगरी और इस देव भूमि में एक धर्म का एक अध्याय है, बड़ा है प्राण प्रतिष्ठा माल्यार्पण फूल हार से स्वागत, सॉल फेंट करके स्वागत अभिनंदन, और मोतीलाल जी गलवा जी से निवेदन करना चाहूंगा आप पधारे और भेक भगवान को मेरी पूजा के साथ स्वागत अभिनंदन करावे। और सबसे पहले स्वागत अभिनंदन